भोपाल घूमने आए युवकों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, एक की हालत गंभीर। खेतड़ी के भोपालगढ़ फोर्ड की पहाड़ियों में घूमने आए दो दर्जन करीब युवाओं पर शनिवार सुबह मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन के करीब युवक घायल हो गए और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 108 एम्बुलेंस के चालक महेश कुमार व मनीष कुमार ने घायलों को भोपालगढ़ से खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ अस्पताल में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा और कंपाउंडर अनिल कुमार ने तुरंत प्रभाव से घायलों का उपचार किया व गंभीर रूप से घायल युवक को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सूचना मिली कि भोपालगढ़ में घूमने आए कुछ युवकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अस्पताल में लाने पर उनका इलाज शुरू किया गया। एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे भर्ती किया गया है तथा अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार सभी युवक करीब 6 बजे मुहाना तहसील के मांजरी गांव से पिकअप में बैठकर भोपालगढ़ में घूमने आए थे। उनमें से कुछ युवक अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं और कुछ लोग स्कूल व अन्य कामकाज करते हैं। गंभीर रूप से घायल युवक साहिल आर्मी में कार्यरत है, जो कारगिल क्षेत्र के बटाली में तैनात है। इन दिनों वह छुट्टी पर आया हुआ था, अपने साथियों के साथ घूमने आ गया। साहिल के साथ सचिन, हेमंत, आशीष व अन्य युवकों को भी मधुमक्खियों ने काट लिया। हमारे पास सूचना मिली थी 108 के जरिए कि कुछ युवा भोपालगढ़ में घूमने आए हैं और उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, तो हमने 108 पुलिसकर्मियों को मंगवाया। तो कुल 5 युवा थे जिनको मधुमक्खियों ने जिन पर आक्रमण किया, जिसमें से एक साहिल नाम का युवा जिसकी हालत गंभीर थी, उसको भर्ती किया गया है और बाकी 4 थे जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।